हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। वास्तव में पुलिस कैसे काम करती है, वे किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, डॉग स्क्वाड कैसे काम करता है, इन सभी सवालों का जवाब लोगों को शनिवार को पुलिस द्वारा आयोजित एक्सपो में मिला। इस एक्सपो में नागरिकों को पुलिस बल में नए हथियारों के बारे में पता चला। एक्सपो का आयोजन नागपुर पुलिस ने शनिवार को पुलिस भवन में किया। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने किया। एक्सपो में दिन भर नागरिकों ने अपने परिजनों को पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू कराया। पुलिस बल में कई लोगों ने मधुर स्वर में गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन किया। देर शाम तक एक्सपो में जाकर नागरिकों ने पुलिस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और अनुभव किया कि पुलिस किस प्रकार नागरिकों की रक्षा करती है। एक्सपो स्थल पर पुलिस अधिकारियों और यातायात पुलिस के लिए कटआउट सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों और यातायात पुलिस के कटआउट में अपने चेहरे के साथ लोगों ने तस्वीरें ली। सेल्फी लेने की होड़ नागरिकों में दिखी। यातायात पुलिस अधिकारियों की ओर से एक्सपो में आने वाले लोगों को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। श्रद्धानंद अनाथ आश्रम में 5 बेटियों का विवाह शनिवार को उत्साह के साथ संपन्न हुआ। उपस्थित यजमानों ने नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आखिरकार इन अनाथ बेटियों को जीवन साथी और परिवार मिल गया। बैंड बाजे के साथ बारात आश्रम के दरवाजे पर पहुंची। दूल्हा दुल्हन पर अक्षत और फूलों की वर्षा कर उनको सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया गया। विवाह में लगने वाली जरूरत के सभी सामान बेटियों को सामाजिक संस्था और श्रद्धानंद अनाथ आश्रम की ओर से दिए गए। कई दानदाताओं ने बेटियों के नाम की FD करवाई। नए जोड़ों के चेहरे पर नए जीवन में प्रवेश करने की चमक देखते ही बन रही थी। मनीषा, उषा, संतोषी, सेविका और सीमा विदाई के दौरान बेहद भावुक हो गई। जिनका बचपन अनाथ आश्रम में बीता हो, उन्हें अब एक परिवार और जीवन साथी का प्यार मिलेगा। यह अनाथ आश्रम अनाथ और बेसहारा युवतियों के लिए माता पिता की तरह है। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल सावनेर में 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि ऑनलाइन मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने की। उन्होंने खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी पंक्तियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता पर लिखी प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये यादगार कविता आज भी युवाओं को देशभक्ति के जज्बे से भर देने का काम करती है। 18 जून नारी शक्ति की मिसाल देने वाली रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी नायिका रही जिनके पराक्रम और साहस का जिक्र आज भी समय समय पर याद किया जाता है। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और आखिरी दम तक झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ती रही। 18 जून के दिन ही उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। लक्ष्मीबाई का पराक्रम और साहस आज की नारियों के लिए प्रेरणादायक है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले महान वीरों में से एक थी। नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से एवं शहर अध्यक्ष तथा विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में प्रकाश लायसे और रवि पौनीकर के नेतृत्व में देश के नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तांडापेट परिसर के होनहार विद्यार्थी अंश डंबेश्वर पौनीकर का 10वीं स्टेट बोर्ड परीक्षा में 98.40 अंक लाने पर शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। रवि पौनीकर ने कहा कि हलवा समाज में अनेक मेधावी छात्र है, पर आज अनेक विद्यार्थी शिक्षा से वंचित है। शिक्षा का मूलभूत अधिकार सभी समाज के सदस्यों को है, पर आज भी हलवा समाज के विद्यार्थी वंचित है। आरक्षण का लाभ न होने से सभी भ्रमित है। इस अवसर पर जयश्री जाम्बुले, पूर्व नगर सेविका अशोक महाले, भास्कर कुवाड़, सुरेश सहारे, दुर्गेश प्रधान, अनिल बोकड़े, रविन्द्र दुरुककर, प्रमोद गरोड़ी, शंकर जाम्बुले, डंबेश्वर पौनीकर, वर्षा पौनीकर, विजय पौनीकर, दुर्वेश पौनीकर, जागृत पौनीकर, गोविंदा पौनीकर आदि उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि शहर में 24/7 जलापूर्ति योजना के नाम पर OCW ने करोड़ों रुपए की लूट की है। 2012 में इस कंपनी को 5 वर्ष के लिए अनुबंधित किया गया था, लेकिन यह कंपनी अपने जिम्मेदारियों को निभाने में सफल नहीं हो सकी। पार्टी ने शनिवार को संविधान चौक पर OCW हटाओ मनपा बचाओ आंदोलन किया। इस दौरान पत्र परिषद में पार्टी अधिकारियों ने OCW एवं भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शहर में 655 MLD पानी की जलापूर्ति का दावा हो रहा है, लेकिन शहर की 30 लाख जनसंख्या के लिए केवल 380 MLD पानी की जरूरत है। शेष 270 MLD पानी कहाँ जा रहा, इसका हिसाब जनता को नहीं दिया जा रहा है। OCW को काम सौंपने के समय मनपा को जलापूर्ति से 3 करोड़ रुपए का लाभ होता था,
आज 100 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। नागरिक पैसे भरकर भी पानी से वंचित है। उधर कंपनी की समयावधि 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। पत्र परिषद में पार्टी के महाराष्ट्र समन्वयक रंगा राचुरे, देवेंद्र वानखेड़े, अशोक मिश्रा, जगजीत सिंह आदि पदाधिकारी तथा कार्यकर्तागण मौजूद थे। जीवन में सभी को वही प्राप्त होता है जो वह दूसरों को देता है, यही प्रकृति का नियम है। अगर आप दुख देंगे तो बदले में दुख ही पाएंगे, और यदि आप किसी को खुशी प्रदान करेंगे तो आपको भी मन में खुशी की अनुभूति होगी। इसलिए दूसरों को भी मुस्कुराहट दीजिए और खुद भी मुस्कुराइए। इस आशय के विचार विश्व जागृति मिशन की नागपुर मंडल की ओर से गुरु पूर्णिमा महोत्सव व भक्ति सत्संग कार्यक्रम के दौरान गुरुपाद्य पूजन व आशीर्वचन कार्यक्रम में आचार्य श्री सुधांशु महाराज ने अपने शिष्यों से कहे। उन्होंने आगे कहा कि दरअसल हमारा मन आदतों का गुलाम हो गया है। हमारा मन कहता है कि मैं जैसे चाहूँ रहूँगा, जैसे चाहे करूँगा, जहाँ चाहे जाऊँगा, मुझे कोई न रुके, मुझे कोई न टोके, यही हमारे मन की विकृति है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा मन अपनी आदतों से दूर रहे। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है जिसका अर्थ है कि हे परमात्मा, मुझे नया मन, नई आत्मा प्राप्त हो। मुझे सब नया प्राप्त हो, परंतु शरीर तो नया नहीं हो सकता, जो शरीर मिला है वही रहेगा। हाल ही में विधि जयप्रकाश कहार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह सेंट उर्सुला हाईस्कूल एंड जूनियर कॉलेज सिविल लाइन की छात्रा है। उसने परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। विधि के बेहतरीन प्रदर्शन पर परिजन प्रतिमा कहार, नेहा कहार, रानी कहार, अनमोल कहार एवं समाज के प्रियंका नायक, सपना कश्यप आदि लोगों ने शुभकामनाएं दी है और आगे के करियर के लिए आशीर्वाद दिया है। सेवाभावी संस्था आशीर्वाद मेडिकल फाउंडेशन के तत्वावधान में संतरा नगरी की चुनिंदा शतकवीर रक्तदाताओं का सत्कार किया गया। विभागीय आयुक्त मनीषा खोड़े चौरे ने स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इन जीवनदाताओं को सम्मानित किया। इनमें 137 बार रक्तदान कर चुके समाजसेवी नरेंद्र सतीजा, IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय देवतले, डॉक्टर बालकृष्ण महाजन आदि का समावेश है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत राठी, एडवोकेट कमल सतुजा, एडवोकेट नितिन देशमुख, अनिल मालूकर, सीमा देव, अनिल खत्री, कंचन गुप्ता, रितेश विजय, डॉक्टर समीर केदार, आशुतोष पुन्यानी, डॉक्टर सिद्धांत भरणे, विनोद हजारे, नीलेश नगरकर, आकाश गुप्ता, अनिल जायसवाल, डॉक्टर सम्राट टावरी, डॉक्टर आदित्य परिहार आदि को भी सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित विजय मुनीश्वर ने भी कार्यक्रम को सदिच्छा भेंट दी। आभार GSK ब्लड सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशीष खंडेलवाल ने माना। कार्यक्रम में वरिष्ठ रक्त विकार विशेषज्ञ डॉक्टर अवतार कृष्ण गंजू, स्वास्थ्य सेवा के सहायक सचिव डॉक्टर रवि धकाते एवं संस्था के सचिव डॉक्टर GS खंडेलवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। नागपुर प्रेस क्लब और स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंकुर सीड्स कैरम टूर्नामेंट का परिणाम रविवार को घोषित किया गया। दैनिक महासागर के कुणाल राउत ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 2 खिताब जीते। दरअसल राउत का यह पहला टूर्नामेंट था। एकल और साथ ही युगल श्रेणियों में वे चैंपियन बने। युगल श्रेणी में राउत ने विनोद सूर्यवंशी के साथ मिलकर खिताब जीता। पुरस्कार वितरण समारोह में नागपुर के जिलाधिकारी विमला आर ने भी हिस्सा लिया। अंकुर सीड्स के कार्यकारी निदेशक विशाल उमलकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मैत्र, सचिव ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, SJN अध्यक्ष डॉक्टर रामप्रकाश, सचिव पारितोष प्रामाणिक, टूर्नामेंट के संयोजक चारुदत्त कड़ू भी मंच पर विराजमान थे। डॉक्टर ठाकुर ने कार्यक्रम का संचालन किया जबकि प्रामाणिक ने प्रस्तावना रखी। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। नागपुर सिटी पुलिस की ओर से रविवार सुबह साइकिल पर सवार सैकड़ों की तादाद में शहरवासियों का भव्य स्वागत समाज सेवा में समर्पित उन्नति फाउंडेशन की ओर से किया गया। स्वयंसेवी संस्था उन्नति फाउंडेशन द्वारा भव्य मंच से काटोल रोड स्थित राजभवन के समीप सभी साइक्लोथॉन में भाग लेने वालों पर गुलाब फूलों की वर्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व राज्य मंत्री अनिस अहमद, उन्नति फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल कोटेचा, वर्धमान अर्बन बैंक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष अनिल पारख, अंकुर सीड्स के डायरेक्टर विशाल उमालकर, रिकॉन कॉन्क्रीट के गिरीश बोथरा, समाज सेवी रमन पेगवार, गिरीश छल्लानी, रिंकू जैन, वनराइज संस्था के सचिव नीलेश खांडेकर,
कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सोनी, प्रदेश कांग्रेस सचिव संदेश सिंगलकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप बत्ता, संजीव विपानी आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महिला सुरक्षा व सामाजिक सौहार्द को कायम रखने हेतु इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समस्त अतिथियों द्वारा पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, DCP गजानन राजमारी आदि पुलिस अधिकारियों का भव्य सत्कार किया गया। उन्नति फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल कोटेचा ने प्रस्तावना रखते हुए बताया कि संस्था द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर युवाओं में नई चेतना का संचार करती है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिस तरह परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में नागपुर जिला NSUI ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव मुजीब पठान व यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बुटीबोरी चौक नागपुर में आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान मोदी सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलनकारियों द्वारा नेशनल हाईवे को जाम तक कर दिया गया। इस आंदोलन की अध्यक्षता NSUI जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे व प्रदेश सचिव नागेश गिरे ने की। शुरुआत में पुलिस ने आंदोलनकारियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के चलते उन पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी और कुछ कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान धक्का मुक्की व खींचतान हुई और कुछ कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए। आंदोलन के दौरान आशीष मंडपे, प्रतीक कोल्ले, प्रणय ठाकुर, चेतन मेश्राम, नवेद पठान, सौरभ काल्मेक, दया शाहू, इरफान अजमेरी, रौनक नानगावे, रॉयल गेडम, हर्ष बर्डे, अविनाश बोरकर, क्षितिज साखरे, उज्ज्वल खापरडे, एरोन, अंकित बोहत, ऋतिक नंदेश्वर, गजानन गावंडे, राहुल पटले, तौसिफ शेख, तुषार हापने, अजय वाघ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सुरीली आवाज के धनी इफ्तिखार राजा ने जब पुराने गानों को अपने चहेतों के सामने परोसा तो सारे चाहने वाले कुछ समय के लिए संगीत की दुनिया में मानो गोता खाने लगे। उंगलियों और नाखूनों से बड़ी पेंटिंग्स बनाने वाले इफ्तिखार राजा की उंगलियां जब कैनवास पर थिरकती है तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इफ्तिखार के चित्रों को विदेश में भी बहुत पसंद किया जाता है। प्रकृति की दी हुई हरियाली धरती को सुशोभित करती है। झाड़ी, पहाड़, तालाब, पेड़ पौधे, फूल आदि प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए कलाकार इफ्तिखार राजा अपनी कला के माध्यम से प्रकृति की अप्रतिम सुंदरता को कैनवास पर उकारने में ही जुटे रहते हैं। उनका जीवन इसी कला को समर्पित है। इफ्तिखार पेड़ और पौधों के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, मौसम, उनमें समय के साथ होने वाले बदलाव को बड़ी बारीकी से चित्रित करने में माहिर है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी गायक एवं चित्रकार इफ्तिखार शनिवार को नागपुर में थे। उत्तर अंबाजरी मार्ग स्थित राष्ट्रभाषा भवन के सभागृह में उन्होंने कुछ बेहद आकर्षक चित्र बनाकर खूब तालियां बटोरी। राष्ट्रभाषा भवन के सर्वेसर्वा सुरेश बाबू अग्रवाल ने इफ्तिखार राजा का परिचय देकर पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया। विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल की ओर से आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा एवं भक्ति सत्संग के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह रेशिमबाग मैदान में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त व शिष्यगण उपस्थित थे। इनमें बाहर से आने वाले शिष्यों की संख्या ज्यादा रही। कार्यक्रम के पहले दिन का आरंभ आचार्य श्री सुधांशु महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। भजन मंडल ने गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा परब्रह्म, गुरु भगवंत, सद्गुरु तेरे हाथों में सौंप दी पतवार है, थाम लो तो जीत मेरी, छोड़ दो तो हार है गीत से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके पश्चात महाराज श्री को मुख्य यजमान परिवार की ओर से 11 मालाएं अर्पित की गई। महाराज श्री ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पवित्र ग्रंथों में जीवन के संबंध में बड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए गए हैं। उन संदेशों को जो समझ लेता है वह व्यक्ति जीवन को प्राप्त कर लेता है। वेदों में कहा गया है कि स्वयं के स्वरूप को पहचाने, अपने विस्तार की कल्पना करें, इस बारे में सोचे कि आप इस संसार में क्यों आए हैं। हसनबाग निवासी सामाजिक कार्यकर्ता जावेद शेख सपत्नीक हज के लिए मुंबई रवाना हो गए। मुंबई से हाजी सोमवार को जिद्दा के लिए रवाना होंगे। अल अजीज एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से अब्दुल अमानी कुरेशी, अमजद खान, हाजी शुभी कुरेशी ने हज यात्रियों का स्वागत किया। इस अवसर पर जफर शेख, इस्माइल बेग, शाहिद शेख, शमीम बेग, मुजीब शेख, मुफ्ती शेख, जावेद शेख, शेख हनीफ, जफर अहमद आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। पूर्व नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन में सूर्यनगर में स्थानीय पूर्व नगर सेवक प्रदीप पोहाने ने 10वीं परीक्षा में 93.80% अंक लेकर मेरिट में आई छात्रा जानवी शिरीज बुलधन का सत्कार किया। इस अवसर पर पंकज कारेमुरे, विवेक पांडे, देवेंद्र माहुरकर, बादल अकारे, निखिल हरडे, अनिल सोनकुसरे, विनोद वर्मा आदि उपस्थित थे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर देश भर के 75 स्थानों पर योग दिन कार्यक्रम आयोजित करने का मानस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने जताया है। नागपुर के कस्तूरजन पार्क में राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व जनार्दन योगाभ्यासी मंडल व नागपुर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कल सुबह 6 बजे से 6:45 बजे तक योग प्रात्यक्षिक प्रस्तुत की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:45 बजे से 7 बजे के बीच मैसूर से 75 आयोजन स्थलों को संबोधित करेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण नागपुर के प्रादेशिक अधिकारी राजीव अग्रवाल ने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित दिवस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सड़क निर्माण के साथ ही पर्यावरण व जल संवर्धन जैसे उपक्रमों के लिए भी कटिबद्ध है। इस अवसर पर जनार्दन योगाभ्यासी मंडल के अध्यक्ष राम खांडवे ने भी नागरिकों से कस्तूरजन पार्क स्थित योग दिवस के आयोजन में उपस्थित रहने की अपील की। महमूदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कॉलेज परिसर में योग कार्यशाला सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर अनिस अहमद, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस व्यापार एवं उद्योग सेल के अध्यक्ष अतुल कोटेचा, रमेश मुल्तानी एवं सीमा मुल्तानी, योग प्रशिक्षक जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल रामनगर, सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ के निदेशक डॉक्टर एस एम राजन के हाथों हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर रवि कलसाई, मदन कड़वे, सागर ठाकरे, बीना जॉय, स्वाति बोधनकर, डॉक्टर स्वाति राउत, डॉक्टर सीमा चिखले, डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, डॉक्टर शबाना अंजुम, सेसेलिया रूबिन, जरीना सलीम, प्राध्यापक गण, नॉन टीचिंग स्टाफ तथा बड़ी मात्रा में विद्यार्थीगण उपस्थित थे। कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर तथा माँ सरस्वती की प्रतिमा को माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर अनिस अहमद ने वर्तमान महामारी की स्थिति में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसमें पूर्व शहर अध्यक्ष शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक वक्तव्य दिया था। भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का शिष्टमंडल पुलिस आयुक्त को हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग का निवेदन देने गया था। उसके बाद से कांग्रेस नेताओं व अन्य कुछ लोगों द्वारा पुलिस आयुक्त के दालान में प्रेस परिषद लिए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस पर बावनकुले ने कहा कि सीपी के दालान में कोई पूर्व नियोजित प्रेस परिषद आयोजित नहीं की गई थी। सीपी ने दालान के बाहर निवेदन स्वीकार किया था। ऐन वक्त पर वहां आए पत्रकारों ने सवालों का जवाब दिया गया। किसी तरह की प्रेस परिषद नहीं हुई। उन्होंने अपील की कि इस संदर्भ में कोई गलत समझ न ले। गुंठेवारी अंतर्गत नियमित हो चुके अनधिकृत लेआउट में प्लॉट धारकों को भी राहत देने के उद्देश्य से भले ही पुराने द्वारा नियमितीकरण की योजना चलाई जा रही हो, लेकिन सभी भूखंड धारकों को इसका लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर नागपुर स्थित समर्थ नगर, कल्पना नगर, कबीर नगर, कपिल नगर, सन्याल नगर, सहयोग नगर, अंगुलीमाल नगर, कुशीनगर जैसी अनेक बस्तियों में 25 से 30 वर्ष पहले से रह रहे निवासियों ने भूखंड का ग्राउंड रेट तो पूरा भर दिया, लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर अब स्थानीय निवासियों ने प्रन्यास का दरवाजा खटखटाया, जहां प्रन्यास सभापति से गुहार लगाकर तुरंत प्लाट धारकों की समस्याएं हल करने की मांग झोपड़पट्टी सेल के उत्तर नागपुर अध्यक्ष आशुतोष कामले और मुख्य सलाहकार मनोज सांगुले ने की। मनोज सांगुले ने कहा कि इन 25 वर्षों में मनपा के माध्यम से तमाम बस्तियों में विकास को लेकर करोड़ों के काम हो चुके हैं। पक्की सड़कें, पेयजल की सुविधा और बिजली आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा चुकी है। प्रन्यास के नियमितीकरण प्रक्रिया के अनुसार यहाँ के लोगों ने काफी समय पहले ही आवेदन किया था। सबूतों के तौर पर 13 नवंबर 1992 से भरे जा रहे बिजली बिल आदि के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।